हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए आपको इंग्लिश का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इंग्लिश के मैंने 15 क्वेश्चन लिए, ठीक है, बिल्कुल पेपर पैटर्न है, बिल्कुल इसमें कुछ क्वेश्चन आपके पीडीएफ सेट के भी हैं, तो थोड़ा वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और 15 क्वेश्चन की आपके इंडियन कोस्ट गार्ड में इंग्लिश पूछी आती है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं टारगेट यही रहेगा इस बार आपको 15 मार्क्स दिलवा कर। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट है तो कमेंट बता देना, आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसकी भी चाहिए, जीके, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, किसी की भी, तो आप लोग कमेंट बताना, आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। चेंज द वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो होते हैं। वॉइस अब दिया गया हु टॉट बाय ए, हु टॉट यू ग्रामर, ठीक है। ग्रामर की स्पेलिंग में याद रखना ए आर होती है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे छठे का राइट ऑप्शन क्या होगा, दूसरा होगा। सबसे पहली बात आपको ये बता दे, थोड़ा मेथड बता दे, हु को हमेशा बाय वू में कन्वर्ट करते हैं पैसिव में, ठीक है। अब बात रही टॉट, टॉट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म जाती है आपकी वॉज वर्ब में, सिंगुलर होगा तो वॉज, प्लुरल होगा तो वर्ब। अब यहाँ पे इसका वर है ना, यू है ना, तो आपका इसलिए वर लगा है, ठीक है। और टॉट ग्रामर हो जाएगा सिंपल सा राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो यहाँ पे सुटेबल राइट ऑप्शन यही बन रहा है दूसरा। तीसरा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि विद नहीं लगता, टॉट के बाद में विद कभी नहीं लगता, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अब दूसरा राइट ऑप्शन अगला देख लेते हैं। ये चीज़ आप लोगों के लिए याद रखना कि हु होता है जो हु को बाय वू में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि हु को बाय वू में। अगला देख लेते हैं, ठीक है। चलो दिया गया यहाँ पे सातवां नंबर है फेमिनाइन ऑफ ड्रोन। इसका फेमिनाइन बताना है, तो इसका होता है मधुमक्खी, बी डबल ई बी, मधुमक्खी होता है, ठीक है। पोनी का प्लुरल पूछा गया तो पोनीज हो जाएगा, पी ओ एन आई ई एस, पोनीज माने होता घोड़ा, ठीक है, घोड़ा होता है पोनीज, पी ओ एन आई ई एस। अगला देख लेते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ स्लिट। स्लिट का पास्ट फॉर्म पूछा गया है, तो स्लिट का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लिट माने, स्लिट माने होता है चीरना या फिर काटना कह सकते हो, तो पास्ट फॉर्म स्लिट ही रहती है, और स्लिट 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 चलती है, जैसे कि कुट 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 पुट 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 वही रहती है, ठीक है। इसमें सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही है। अगला दिया गया है साइनोनियम ऑफ डाउनटलेस। अगर इसकी हिंदी आपको आती होगी तो साइनोनियम मतलब पढ़े बच्चे आप बता लोगे, ठीक है। तो साइनोनियम और एंटोनियम थोड़ा अच्छी तरह पढ़िएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डाउनटलेस माने होता क्या आपका बताइए, बहादुर कह सकते हो, कोरा जस हो जाएगा। क्लमसी माने क्या होता है, अनाड़ी या मूर्ख कह सकते हो। इजी माने सरल, कायर माने डरपोक, ठीक है। चलो भाई 11 नंबर पसंद दिया गया एंटोनियम ऑफ माइजर। माइजर मतलब एंटोनियम क्या हो जाएगा, माइजर माने होता क्या पहले बताइए, कंजूस। एक तरफ कंजूस है तो एक तरफ कैसे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे, तो स्पेंड थ्रिफ्ट माने होता बहुत ज़्यादा खर्चीला पैसा करता है जो। फेवरेट माने पसंदीदा होता है, डिस्ट्रेस्ड माने होता रोगी, पिटिएबल माने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, मासूम होता है। अगला दिया गया चूज वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। वन वर्ड है गवर्नमेंट ऑफ ए, गवर्नमेंट बाई ए फ्यू, मतलब कुछ लोगों की ही सरकार, तो ओलीगार्ची होती है। ओलीगार्ची माने होता है कुछ लोगों की सरकार, पढ़ लेना, ठीक है। अगला देख लेते हैं अब 13 नंबर में टू ब्रेक अवे। टू ब्रेक अवे बताइए, टू ब्रेक अवे माने होता है टू ब्रेक हो रहे हैं, और मतलब हो जाएगा टूटना उठना, टूटने से रिलेटेड होता है, टूट टूट कर अलग हो जाना या टूट जाना, तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेट माने होता है टूट टूट हो जाना, चूर चूर हो जाना या फिर अलग अलग हो जाना। तो राइट ऑप्शन तीसरा ही बन रहा है, इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगला चलो भाई अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, काफ़ी छात्रों को फिलिंग द ब्लैंक्स में भी गलतियाँ होती हैं, तो थोड़ा इसको ट्रिक से बताएंगे, मैथड से, ठीक है। अगर आपको इसकी हिंदी नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी से भी मत करिएगा। चलो नाइदर द हेड मास्टर नॉर द असिस्टेंट मास्टर्स प्रेजेंट, ठीक है। तो नाइदर के बाद में पेयर चलता है नॉर, मतलब नॉर दिया बिल्कुल सही है, और आइदर के साथ में और आता है, पता होगा। अब यहाँ पे द हेड मास्टर आपका सब्जेक्ट पहला है, और नॉर के बाद में दूसरा सब्जेक्ट दिया गया द असिस्टेंट मास्टर्स दिया गया, सब्जेक्ट टू है, ठीक है। तो मास्टर्स यहाँ पे प्लुरल बन रहा है, देखो पहले बता दें नॉर के बाद जो नाइदर नॉर का जब पेयर चलता है तो बाद वाले सब्जेक्ट में, तेरे सब्जेक्ट टू बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आती है। तो आप बताइए यहाँ पे, यहाँ तो हैज सिंगलर होता है, सिंगलर में लगता है, हैड भी सिंगलर में, वर हैज बीन भी सिंगलर में, यहाँ पे वर ही लगेगा, वर यहाँ पे सबसे राइट ऑप्शन बन रहा है, प्लुरल केवल वर ही है ना। तो नॉर के बाद में जो आपका सब्जेक्ट दूसरा जो आता है प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब लगेगी हेल्पिंग वर्ब, और सिंगलर है तो सिंगलर वर्ब लगेगी, प्लुरल है ना मास्टर्स, ठीक है। अगला दिया गया द ए नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग सजेशन डैश मेड है, ठीक है। अब इसका बताइए क्या होगा, 15 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन क्या होगा। चलो 15 का तीसरा राइट ऑप्शन है, देखो ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ आपका मतलब कि हो जाएगा प्लुरल, ए नंबर ऑफ आपका प्लुरल होता है, कैसे यहाँ पे ये दोनों कट गए। अब यहाँ हैव नहीं लगा इसलिए क्योंकि आपका पैसिव में दिया गया है, पैसिव में हैव बीन लगता है, हैज का हैव आपका पैसिव में हैव बीन लग जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा इस सेंटेंस आपका पैसिव है, ठीक है, देख लेना। अगला दिया गया ही फिनिश्ड फर्स्ट डैश ही बिगन लेट। 16 नंबर का बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन दो हो जाएगा, दो माने क्या होता है यद्यपि,
ठीक है, टी एच ओ यू जी एच, ठीक है। अगला दिया गया यहाँ पे, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन डैश यू प्रोसीड फर्दर। अब बताइए इसमें क्या होगा, थोड़ी इसकी हिंदी बता देते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्रश्न का उत्तर दें, आगे बढ़ने से पहले तो बिफोर होगा दोस्तों, ठीक है। राइट ऑप्शन यहाँ दूसरा ही बन रहा है, ए बन रहा है। अगला देख लेते हैं, ही वर्कड डैश ईयरनेस्टनेस। ईयरनेस्टनेस मैन होता है ईमानदारी से या फिर गंभीरता से, उसने काम कैसे किया, गंभीरता के साथ किया, तो विथ लगेगा, वर्क विथ ईयरनेस्टनेस, तो राइट ऑप्शन चौथा ही सुटेबल है, पढ़ लेना। अगला देख लेते हैं, चलो अगला देख लेते हैं, ही स्किल कम्स डैश प्रैक्टिस। 19 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका बताइए क्या होगा। चलो इसकी हिंदी देख लेते हैं, अगर आपको प्रपोजिशन नहीं आ रही समझ में क्या लगेगा। देखो उसका जो कौशल है, उसका कौशल अभ्यास से आता है, अभ्यास से आता है। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन यहाँ पे फ्रॉम, फ्रॉम माने से, अभ्यास से आता है। स्किल हिज स्किल कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस से आता है, तो ठीक है, तो प्रैक्टिस से ही सभी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इंग्लिश में भी, ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा। देखो लिखा है डैश द अनगैथर्ड, अनगैथर्ड ठीक है, जो इकट्ठा ना हो, गैथर्ड माने होता है इकट्ठा, अनगैथर्ड जो इकट्ठा ना हो। राइस माने चावल हो गया, ले माने क्या होता है बताइए, ले माने होता है जो धूल में मिल जाना, इनको इकट्ठा कर लो चावलों को, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, जो बगल में यहाँ पे बेसाइड लगेगा, आपको नहीं लगा इसका रीजन बता दें, यहाँ पे क्या लगेगा, बेसाइड लगेगा, बेसाइड माने होता है के बगल में, ठीक है, जो चावल के बगल में जो आपकी धूल मिट्टी जो है इकट्ठा है वो आपके चावल में चली जाएगी के बगल। चलो तो राइट ऑप्शन यहाँ पहला बन रहा है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर नहीं करते आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, जिसका भी प्रैक्टिस सेट चाहिए कमेंट में बता देना, लिंक प्रोवाइड करा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा।